हेलो, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एमएस क्लासेस मुन्ना यादव के चैनल पे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन भारती भवन के बुक से हम लोग पढ़ेंगे, और भारती भवन बुक को एकदम अच्छे से मैं पढ़ते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। तो प्लीज़ आप कहीं जाइए मत, एकदम स्थिर होकर बैठ जाइए, कॉपी किताब ले लीजिए, और अगर भारती भवन का बुक है तो उसे खोल लीजिए। देखिए बुक के ऊपर कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा है? प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिनकी जानकारी आपने पिछले वर्गों में हो चुकी है, जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है तथा जिनका उपयोग आपको इस अध्याय में अध्याय और अगले दो अध्यायों में करना है। ये कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, आगे अब इंपॉर्टेंट मिलेगा। फर्स्ट लाइन देखिए, प्रकाश और उसके स्रोत। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश और उसके स्रोत। कहते हैं कि वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। बात तो एकदम सही है, 100% बात सही है। आपके पास आंख है, आपको ले जाके हम एक अंधेरे एकदम अंधेरा कमरा, एकदम अंधेरा, कहीं से प्रकाश नहीं है, उसमें रख दिए। बाबू थोड़ा देखो तो पेन कहाँ रखा हुआ है, टोते रहिएगा पूरा कि हाँ पेन यहाँ है, पेन यहाँ है। पेन नहीं मिलेगा, दतवन मिल जाएगा। टोते रहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको प्रकाश नहीं है। आज आप अगर मुझे देख रहे हैं तो प्रकाश की ही वजह से, स्क्रीन पे पूरा जो ये आप अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट है, ये सब क्या है? प्रकाश है। तो आपके पास आंख है, लेकिन आंख के बिना, अगर आंख तो है ही, आंख के साथ अगर प्रकाश ना मिले तो आप उस वस्तु को ना देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। भैया प्रकाश नहीं है तो नहीं देख सकते हैं। तो कहता है तो हम अब समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है यानी फैक्टर है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो हम किसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं? प्रकाश की सहायता से देखते हैं। किसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं? प्रकाश की सहायता से देखते हैं। ये आंख तो होना जरूरी है, आंख से तो देखिएगा ही, लेकिन प्रकाश नहीं होगा तो आंख काम नहीं करेगा। रात में अंधेरे में आपको रख देंगे, कुछ नहीं दिखेगा। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचती है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये बात सही है। ये भी क्या है कि मतलब कि कह रहा है कि वास्तव में जब प्रकाश वस्तुओं से टकराती है और वस्तुओं से टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुंचती है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ में आया? तो ये पॉइंट हम समझ लिए। अब कोई आकर आपसे डेफिनेशन पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आपको बोलना है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब अगला टॉपिक, जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मतलब जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उससे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब ये मार्कर है, इस मार्कर से प्रकाश निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। इस मार्कर से प्रकाश नहीं निकलेगा तो प्रकाश स्रोत ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहां से प्रकाश निकलेगा? टॉर्च से। जब टॉर्च जलाइएगा तो टॉर्च से प्रकाश निकलेगा, यानी कि प्रकाश स्रोत में आ जाएगा। सूर्य को देखिए, सूर्य से प्रकाश निकलेगा। जब सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश स्रोत हम उसे भी कह सकते हैं, सूर्य को भी। समझ में आया? तो देखिए आगे क्या कहता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित। यानी प्रकाश स्रोत दो तरह के हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक में क्या क्या आता है ये हम जाने, सूर्य हो गए, तारे हो गए आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या होंगे? सूर्य होंगे, तारे होंगे। उसके बाद इनमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। ये तो बात सही है, हमारे लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, जो कि प्राकृतिक है। जो क्या है? प्राकृतिक है। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब मोमबत्ती, बिजली का जो बल्ब जलता है वो भी हमारा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, वो भी प्रकाश का स्रोत है। मोमबत्ती ये भी प्रकाश का स्रोत है। लैंप ये भी प्रकाश का स्रोत है। लालटेन दिया आदि ये सब प्रकाश के स्रोत है। लेकिन ये प्रकाश के स्रोत कैसे हैं? मानव निर्मित। ये कौन से प्रकाश के स्रोत है? ये मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है।
तो प्रकाश के स्रोत जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में आ जाएगा सूर्य, तारा, सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब प्राकृतिक में आ जाएंगे। मानव निर्मित में हो गया टॉर्च, लैंप, दिया, मोमबत्ती, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। अब कहता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अब जितना भी प्रकाश का स्रोत आपको मिल रहा है ना, और वो जो प्रकाश में बदला जाता है, कैसे बदलता है? तो कुछ ऊर्जा है जो कि ऊर्जा वो बदलकर प्रकाश आपको प्रोवाइड करती है, जो कुछ ऊर्जा प्रकाश, कुछ ऊर्जा बदलकर आपको प्रकाश देती है। जैसे क्या कहते हैं कि लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। अब लालटेन तो जलाते हैं, तो लालटेन में किरोसिन ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। लालटेन में हम कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? किरोसिन ऑयल। तो किरोसिन ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, तो वो किरोसिन ऑयल से लालटेन जलता है, तो लालटेन क्या है, किस ऊर्जा को कन्वर्ट करके आपको प्रकाश दिया? तो कहता है कि लालटेन, लैंप आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा, यानी कि उस तेल में जो संचित रासायनिक ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करके आपको प्रकाश दे रही है। टॉपिक समझ में आ गया? लालटेन में जो हम किरोसिन ऑयल डालें, उस किरोसिन ऑयल में रासायनिक ऊर्जा है, और वो रासायनिक ऊर्जा हमें प्रकाश कन्वर्ट करके दे रही है। रासायनिक ऊर्जा जल रही है तो हमें प्रकाश मिल रहा है। तो एक ऊर्जा कन्वर्ट होकर दूसरे ऊर्जा के रूप में, यानी प्रकाश आपको दे रहा है फल, यही लीजिए प्रकाश। अब देखिए, इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिणत किया जाता है। बिजली का बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। तो बिजली का बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, तो वो कैसा प्रकाश आपको देता है? वो क्या करता है कि जो विद्युत ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके आपको प्रकाश दे रहा है। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, ये सब क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको प्रकाश ऊर्जा दे रहे हैं, लाइट एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ तक पॉइंट हमने पढ़ लिया। कहते हैं इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। बात सही है, रिजल्ट लास्ट में आपको ये मिला कि ऊर्जा के अलग अलग रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। लास्ट रिजल्ट हमें मिला प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आपको कैसे पता चल गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? कैसे ये बात पता चला? क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि प्रकाश जो है एक किसी न किसी ऊर्जा को कन्वर्ट करके, मतलब कि जो भी वस्तु आपको प्रकाश देती है, जो भी प्रकाश स्रोत हैं, तो वो किसी न किसी अलग वाले किसी ऊर्जा को कन्वर्ट करती है और उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपको प्रकाश देती है। हमने लालटेन का एग्जाम्पल लिया था कि लालटेन जो है उसके अंदर जो हम लोग तेल डालते हैं, वो तेल का रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट करके आपको प्रकाश देती है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ये बताया कि विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होके आपको ये लाइट एनर्जी देती है, आपको प्रकाश देती है। तो हमने दो एग्जांपल देखा, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि जो प्रकाश है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा ही है। अब अगला टॉपिक दूसरा है, दूसरा टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, मतलब कुछ ऐसी वस्तु है जो हमें प्रकाश देती है। जो हमें प्रकाश देती है वैसे वस्तु को हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश देती है वो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु को इंग्लिश में हम बोलते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देती है। टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च हमें लाइट देती है, तो टॉर्च प्रदीप्त वस्तु होगी। समझ में आया? टॉर्च क्या होगी? प्रदीप्त वस्तु होगी। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, कुछ ऐसी वस्तु हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं। जैसे टेबल, टेबल को रखिएगा तो क्या टेबल आपको लाइट देगी? अंधेरा कमरे में टेबल रख दीजिए, जैसे अंधेरा कमरे में पैर रखिएगा तक अंधेरा कमरे से जो टेबल है वो टेबल आपको तो लाइट नहीं देगी, क्या आपको सारा वस्तु दिखने लगेगा? तो टेबल अप्रदीप्त वस्तु है।
किताब, किताब कौन सा प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु है। किताब कौन सा वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। अब यहां तक टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन बनेगा प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु आप किसको कहिएगा, तो प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो हमें प्रकाश देती है, वैसे वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु हम किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश उत्सर्जित, जो हमें प्रकाश नहीं देती है, चाहे वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु का एक दो उदाहरण बताइए, तो प्रदीप्त वस्तु में आप सूर्य ले लीजिए, वो हमें प्रकाश दे रही है, वो प्रदीप्त वस्तु है, उसको हम इंग्लिश में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप ले लीजिए वो टॉर्च ले लीजिए, ये प्रदीप्त वस्तु है। आप लालटेन ले लीजिए, प्रदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती ले लीजिए, प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये सब हमें लाइट देती है। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु हम उस वस्तु को कहते हैं जो हमें प्रकाश नहीं देती है, जो हमें प्रकाश नहीं देती है वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और उस वस्तु का उदाहरण कोई पूछ ले कि बताइए भाई अप्रदीप्त वस्तु कौन कौन सी है, तो अप्रदीप्त वस्तु के लिस्ट में आप बता दीजिएगा सर किताब, किताब आपको लाइट नहीं देगी। किताब क्या है, आप ले लीजिए टेबल, टेबल आपको लाइट नहीं देगी। लोटा ले लीजिए, लाइट नहीं देगी। जो भी चीज लेना है ये सब आपको लाइट नहीं देती है, इसलिए अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है ये सब। अगला